बांदा जनपद के बबेरू ओरेन मार्ग पर चित्रकूट करवी से कानपुर जा रही तेज रफ्तार रोडवेज बस सुखदेव सिंह लवकुश पीजी कॉलेज बबेरू संपर्क मार्ग के पास पुलिया से टकरा कर खाई में पलट गई। बस पलटने की आवाज सुनकर वहां पर रहने वाले लोगों ने पहुंचकर बस के आगे का शीशा तोड़कर सवारियों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दिया। कोतवाली प्रभारी पंकज सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए CHC भेजकर भर्ती कराया। एक दर्जन सवारियां घायल हुई जिसमें राजा बाबू पुत्र चुना कवन उम्र 23 वर्ष, राम प्रताप पुत्र सभाजीत उम्र 18 वर्ष, बुद्ध राज पुत्र सिरोमन 35 वर्ष निवासी ओरन, रजनी पत्नी जयप्रकाश 29 निवासी पहाड़िया, राजा पुत्र राम प्रताप उम्र 25 वर्ष निवासी सिंहपुर, भूप राज पुत्र भवानी दीन उम्र 56 निवासी मंझिवा सानी समेत आधा दर्जन सवारियों को उपचार करके जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी सवारियों के मामूली चोटें आने पर इलाज कराकर घर भेजा गया है। भाई मैं कानपुर रहता हूँ जी। मामला ये है कि आगे से ट्रैक्टर आ रहा था और बस जो थी वो काफी स्पीड में थी जिस कारण से ट्रैक्टर वाले ने साइड नहीं दी और बस अनियंत्रित होकर बस गड्ढे में जाके गिरी। कितने लोग घायल हुए? घायल तो सर काफी लोग थे तो उनकी हल्की की चोट आ गई है, वैसे सेफ सभी लोग बच गए हैं। आप कहाँ से बैठ के कहाँ जा रहे हैं? हम मरौली से बैठ के कानपुर को जा रहे थे। कितने लोग सवार हैं? करीब 25 लोग थे। यहाँ पर प्रशासन आया हुआ है? हाँ प्रशासन आया हुआ है। अच्छा आप लोगों को नुकसान क्या हुआ? नुकसान मेरा ये हुआ कि मेरे जो मोबाइल थे वो 30,000 के करीब थे दोनों मोबाइल, वो मेरे मोबाइल पानी में चले गए वसी के अंदर। नहीं चोट नहीं है बस हल्की सरवत आई। हाँ वहाँ पानी भी पड़ा हुआ था। कैसे आपको आपने यहाँ? हम यहीं पे हमारा ट्यूबवेल है तो हम यहीं पे रोड में खड़े हुए थे, तेज रफ्तार में रोड बीच थी, फिर टकरा गई पुलिया में, खाई में गिर गई, पानी भी इसमें पड़ा हुआ था। कैसे निकाला गया? कांच तोड़कर सामने वाला कांच तोड़कर हम यात्रियों को निकलाया और हमारे साथ संदीप गुप्ता भी थे। कितने लोग रहे होंगे रोड पे? समथिंग वही 25-30 लोग रहे होंगे। तो गाड़ी ही R9 भारत से बांदा जिला संवाददाता शिव विलास शर्मा की रिपोर्ट।